पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मोहिमेची घोषणा केली, ज्यामध्ये त्यांनी या मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण भारतातील 40 कोटी लोकांना कुशल बनविण्याचे वचन दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून कौशल्य विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमिपूजन समारंभ दिमाखात संपन्न होत आहे. ही बाब महाराष्ट्र राज्यासाठी मोठी उपलब्धी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी पनवेल येथे केले. महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठाच्या मुख्य वास्तूचा भूमिपूजन समारंभ पनवेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात संपन्न झाला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगार व नाविन्यपूर्ण उपक्रम मंत्री मंगल प्रभात लोढा, पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर, उरणचे आमदार महेश बालदी, आमदार रविशेठ पाटील, कौशल्य विकास विभाग प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र कौशल्य विकास विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉक्टर अपूर्वा पालकर, कोकण विभागीय आयुक्त डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर, कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त डॉक्टर एन रामास्वामी, रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर योगेश म्हसे, पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, माजी नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, हरेश केणी, मनोहर म्हात्रे, राजू सोनी, अजय हिरा, माजी नगरसेविका दर्शना भोईर, रुचिता लोंढे, भाजप नेते शशिकांत शेळके यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. मान्यवरांच्या भाषणानंतर महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या 3D मॉडेलचे उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते करण्यात आले व हे कौशल्य विद्यापीठ कशा स्वरूपाचे असेल याबाबत संगणकीय प्रारूप दर्शविणारी चित्रफीतही सर्वांना दाखविण्यात आली. या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केले आहे. मी महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या संपूर्ण टीमचं आणि विशेषतः कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढाजी असतील, आपल्या या विभागाच्या सचिव मनीषा वर्मा असतील, आयुक्त रामस्वामी असतील किंवा कुलगुरू डॉक्टर अपूर्वा पालकर असतील यांचे मनापासून अभिनंदन करतो की आज अतिशय रेकॉर्ड स्पीडने त्यांनी महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाचा सोहळा या ठिकाणी पार पाडला आणि मंगलजींनी सांगितलं की पुढच्या जुलैपर्यंत इमारत उभी करायची आहे. मंगलजी, तुम्ही स्वतः लक्ष घातलं तर ती नक्कीच उभी होईल याचा मला विश्वास आहे, कारण या महाराष्ट्रात आणि देशात, आणि देशात नव्हे तर देशाच्या बाहेरही हजारो इमारती तुम्ही स्वतः रेकॉर्ड स्पीडमध्ये उभ्या केल्या आहेत आणि अतिशय आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या उभ्या केल्या आहेत. त्याच्यामुळे निश्चित मला विश्वास आहे की ही इमारतही अतिशय आयकॉनिक अशा प्रकारची इमारत या ठिकाणी आणि अतिशय वेगामध्ये ही इमारत या ठिकाणी तयार होईल. गुढी पड़वा से महाराष्ट्र में 9 वर्ष का आरंभ हुआ है. बड़ी खुशी की बात है कि इस 9 वर्ष के पहले सप्ताह में ही महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है. इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय का और विशेषकर विश्वविद्यालय की प्रथम कुलगुरु डॉक्टर अपूर्वा पालकर का हृदय से अभिनंदन करता हूँ. देवियों और सज्जनों, सैमुअल हटगिंस की पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अनुसार वर्ष 1750 में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% थी. कपास, ऊन, लिनेन और रेशम में हमारा कपड़ा माल दुनिया भर में प्रसिद्ध था. एक छोटे से माचिस के बॉक्स में समा जाए ऐसी सिल्क की साड़ियां यहाँ हमारे देश में तैयार होती थी. हम गहने, जेम्स स्टोन, मिट्टी के बर्तनों, चीनी मिट्टी के बर्तनों और हर तरह की गुणवत्ता और मिट्टी के पात्र के लिए भी जाने जाते थे. मी आज देवेंद्रजीला दुसरी एक ग्वाही या ठिकाणी देतो. माझं मंगल प्रभात लोढा साहेबांची चर्चा झाली की जोपर्यंत स्किल डेव्हलपमेंट आणि इंडस्ट्री हे जोपर्यंत एकत्र काम करत नाहीत तोपर्यंत मला असं वाटतं की जास्त जॉब देखील क्रिएट होणार नाहीत. आणि म्हणून येत्या महिन्याभरामध्ये आम्ही देखील दोघं मिळून असं एक धोरण आणू
कि इंडस्ट्रीला नक्की काय पाहिजे, म्हणजे पनवेल मध्ये आज जरी हे युनिव्हर्सिटी झाली असली तरी पनवेलच्या आजूबाजूला ज्या काही MIDCs आहेत किंवा आता विमानतळ होतंय किंवा आमचा जो समुद्र किनारा आहे याला नक्की कसलं एज्युकेशन पाहिजे, या संदर्भात मी मंगल प्रभात लोढा साहेबांची चर्चा करेन. आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी मोठमोठ्या MIDCs आहेत तिथं आम्ही दोघं मिळून अशा पद्धतीनं स्किल डेव्हलपमेंट युनिट प्रत्येक ठिकाणी उभी करण्याची ग्वाही आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना आणि विशेषतः उपमुख्यमंत्र्यांना देतो. हम सबके लिए पनवेल के इस इलाके के अंदर जो मुंबई के लिए खुला हुआ द्वार है, शुरुआत है, वहाँ पर आज कौशल्य विकास पीठ की, महाराष्ट्र की पहली कौशल्य विकास पीठ की स्थापना में आप सबका स्वागत करते हुए डिपार्टमेंट को भी हर्ष हो रहा है, मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है. 2014 के अंदर जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के अंदर पहला स्किल डिपार्टमेंट बनाया था तब भी उनके मन में ये था कि स्किल डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि गाँवों के बच्चे गाँवों में रहें, शहरों की बजाय गाँवों के अंदर गाँव से संबंधित, किसान से संबंधित कौशल्य विकास का हो और उसके लिए बच्चों को वहीं पर काम मिले. और 2015 में तब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के अंदर जब ये डिपार्टमेंट शुरू किया तो उनके भी यही शब्द थे. और इसके लिए जब ये स्किल यूनिवर्सिटी करने की शुरुआत जब बात आई तब पहले हमने मुलुंड के अंदर जगह थी हमारे पास में, अंदर नवी मुंबई के अंदर ये जगह देखने के पहले सारे शहरों की जगह देखने के बाद में देवेंद्र जी ने कहा कि ये गाँवों के लिए, गाँवों के लोगों के लिए नजदीक का द्वार बने. और इसलिए पनवेल के अंदर आज हम यहाँ पर ये स्किल यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं. आने वाले समय के अंदर इस स्किल यूनिवर्सिटी का जब प्लान बन रहा था तब हम देखने के लिए, सोचने के लिए सारी दुनिया के लोगों से हमने बात की, हमारे अधिकारी दुनिया में जाकर आए. और तब भी जब हम वापस माननीय देवेंद्र जी के पास में गए तो उनके यही शब्द थे कि आप देखने के लिए भली दुनिया में जाओ पर ऐसा बनाना कि ये स्किल यूनिवर्सिटी बनने के बाद में दुनिया आपके यहाँ देखने के लिए आए. इस तरह का प्लानिंग, इस तरह का वर्किंग, इंटीग्रेटेड जैसे कहा गया, नेट जीरो, कोई भी यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं रहेगा, हर तरह का यहाँ पर सारे पावर का हम ही यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे, वेस्ट का भी यूटिलाइजेशन करेंगे. पर इसके साथ के अंदर यहाँ पर पहले एक ITI भी थी, ITI भी यहाँ पर रहेगी और जो कॉमन फैसिलिटी बनेगी प्लेग्राउंड से लेके जिम से लेके वो जो स्किल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी वो हमारे ITI के बच्चों के लिए भी उपलब्ध होगी. और माननीय देवेंद्र जी, मैं आपके सामने ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत नवनाथ जी करके एक पत्रकार हैं, उन्होंने सबसे पहले ये विषय निकाला कि यहाँ का हॉस्टल बहुत खराब अवस्था में है और वहाँ से ये शुरुआत हुई और आज वो हॉस्टल की जगह पर हम बड़ी स्किल यूनिवर्सिटी तो बना ही रहे हैं, हॉस्टल भी वापस बनाएंगे. हे सर्व संकुल, पनवेल तालुका असेल, रायगड जिल्हा आहे, महाराष्ट्रांच्या आशा आकांक्षा आहेत. इथून काही कालावधीमध्ये देश किंवा हा सगळा परिसर इथून उड्डाण करणार आहे आणि त्यावेळेला हा सगळा परिसर ज्या वेळेला या ठिकाणी इथून उड्डाण करणार आहे तेव्हा या सगळ्या लोकांच्या जी काही त्यांच्यामध्ये कौशल्य आहे या कौशल्याचंही उड्डाण हे होण्यासाठी हे ही स्किल युनिव्हर्सिटी, हे विद्यापीठ या ठिकाणी अतिशय उपयुक्त ठरेल आणि त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा शासनाचा आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.